अभी ये मुझे लेकर जा रहे हैं, मेरा ओरिजिनल ससुराल जहाँ है तो वहाँ लेकर जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, काफी साल बाद जा रही हूँ अपना ससुराल। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मायके में लास्ट डे, तो फिर हम लोग लास्ट डे कैसे एंजॉय करें वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और सुबह से ब्लॉग शुरू की और मैं अभी नहा चुकी हूँ। अभी समय हो रहा है 9:16, आज जल्दी उठी, मम्मी को बोल कर रखी थी। मैं हाँ, ये भी जल्दी उठ गई। गुड मॉर्निंग बोलो। भी गुड मॉर्निंग। तो एक्चुअली बात है कि मैं मम्मी को बोल कर रखी थी, आदत जो है बिगड़ गया है, सुधारना है, आप मुझे 6 बजे उठा दीजिएगा। पर मम्मी उठाई नहीं, फिर भी मैं कोशिश की कि 8 बजे तक उठ जाऊँ, और 8 बजे तक मैं उठ गई। आज मायके का जो आराम है ना वो लास्ट डे हो गया, क्योंकि कल से फिर अपना रूटीन में आप आ जाओ, फिर अपना दिन का जो चलता है वो चलने वाला है, उससे आप सो नहीं सकते हो इतना देर तक, क्योंकि यहाँ तो सबको ही पता है क्या होता है मायके में। तो चलिए अभी से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, साथ में बने रहिए। आज का डे थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज है लास्ट, तो मम्मी आज हम लोग के लिए सुबह सुबह ही कुछ स्पेशल भी बना रही है, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी वो क्या है। उससे पहले बोल दूँ कि चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन के साथ, जिससे कि मेरा हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आएगा तो जरूर से लाइक करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सबसे पहले मम्मी के पास, क्या करिए देखते हैं, है ना। मम्मी यहाँ पर बैठे बैठे ना केला पत्ता काट रही है बाहर, मैं आप लोग को ये दिखा दूँ। तो मम्मी यहाँ पर हम लोग के लिए बना रही है दूध एंड्री, कहते हैं इसको। ये बहुत टेस्टी होता है, एकदम क्रीमी टाइप का होता है, क्योंकि ये दूध बस थोड़ा सा ही चावल का आटा लगता है, बाकी दूध को उबाल उबाल के बनाया जाता है। एकदम आपको रसमलाई क्या और कुछ भी, रबड़ी सबसे बेहतरीन चीज़ है, और ये केला पत्ता से बनेगा। मम्मी इसको अभी ऐसे चलाते हुए एकदम सॉलिड करेगी और फिर केला पत्ता से काटेगी। ये बहुत ही यम्मी होता है, मेरी बेटी को बहुत पसंद है। तो फिर मम्मी बोली नहीं बना देते हैं उसके लिए, क्योंकि उस दिन से हमेशा कुछ ना कुछ चल ही रहा है। वो बोली मेरे पसंद का कुछ बना दीजिए, तो फिर केला पत्ता का जो सांचा होता है ना पूरा वो दिखेगा इसमें, हमें उसी से ही इसको मतलब सेट करेगी जैसे जेली टाइप का। हाँ बिल्कुल जेली टाइप का होता है। मैं दिखाऊंगी जब बन जाएगा, हम लोग खाएंगे ना, मैं आप लोग को दिखाऊंगी कैसे बनकर तैयार होता है ये। चलिए जब तक मम्मी का ये सब कंप्लीट होता है मैं अपना हेयर कॉम करके आती हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ कैसे तैयार हुआ। फ्रेंड्स ये देखिए बनकर तैयार हो गया है हम लोग का सारा, क्या कहते हैं, सो दूध एंड्री पिठा। तो ये मेरी बेटी एक उठाकर ले रही है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ कैसे सेट होता है। सेट हो गया है, दिखा, और थोड़ा सा बाकी था। हाँ ये सेट अच्छे से नहीं हुआ है, अभी हम लोग 5-7 मिनट बाद ही आ गए हैं। ये गर्म भी है, अभी ठंडा होगा तो मतलब सेट होगा, ये गर्म है सेट नहीं। सेटर उठा सेट वाला नहीं, ये आगरे जो बचा, ये जो बाद में किए हैं उसको सेट होने में अभी टाइम लगेगा। ठंडा दियो, फ्रीज दियो ना माँ, सागे सांग तुम डाकी दूचो। ये और थोड़ा बाकी है, देखिए अभी नहीं लग रहा है ना, ये अभी भी और थोड़ा सा टाइम लगता है इसको। चलेगा चलेगा इसको खाना था, ये बहुत हड़बड़ा रही थी, तो मम्मी बोली आके तुम लोग ले सकते हो, और जैसे पूरी तरह से सेट हो जाएगा ना तब एकदम से ये पत्ता से निकल जाएगा और हाथ में आप लोग उसको ले सकते हो। कैसा है? गजब। ये देखिए ऐसे निकल जाता है, अब इसको कितना सॉफ्ट है देख सकते हैं, कितना सॉफ्ट है देखिए, एकदम क्रीम की तरह। इसको अभी हम लोग खाएंगे। देखा
फ्रेंड्स आज मैं एक बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, क्योंकि ये जो हम लोग का सोफा है ना, बहुत पुराना सोफा हो गया है। हम लोग छोटे थे उस टाइम का सोफा है, पर इतना मजबूत है ना, आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्या है कि बच्चे सब आएंगे बोलकर मम्मी बारंडा से सब खाली करवाती थी, जैसे डाइनिंग को भी यहाँ से हटवा दी थी, सोफा को भी। तो मैं बोली नहीं, जाने से पहले ये सबको ना जैसे था पहले की तरह कर देती हूँ, वरना बाहर रहते रहते गंदा हो जाएगा, फिर खराब होगा धीरे धीरे। और इतना साल का सोफा है, साथ में हम लोग का बचपन भी है इसमें। तो मैं बोली नहीं, इसको खराब होने नहीं दे सकती। और मैं जाऊँगी फिर मम्मी किसी को बुलाएगी, कब होता रहेगा, उससे अच्छा कि मैं सेट करके ही जाऊंगी यहाँ से। फ्रेंड्स गुड इवनिंग। तो जैसे दिन भर कोई ब्लॉग नहीं बन पाया, जो थोड़ा सा बना था उसी में ही रह गया, और अभी फिर से चालू कर रही हूँ ब्लॉग को। अभी रात का बज चुका है 9, और अभी से फिर से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो अभी से ब्लॉग शुरू करने का मतलब है कल थोड़ा स्पेशल जगह आ रहे हैं आप लोग, मेरा फेवरेट जगह, आप लोगों को अपडेट देना था। और साथ में अभी हम लोग डिनर करेंगे कुछ टाइम बाद। भाई आया नहीं है, वो जिम होके आएगा। तो अभी मम्मी किचन में है, दिखा दूँ, और पापा क्या कर रहे हैं वो भी दिखा देती हूँ। और क्या बोलूँगी, थोड़ा ठंडा भी लग रहा है, पूरा जैसे ठंडा दिन जैसे हो गया है, पूरा बाहर में ओस गिर रहा है, पूरा ठंडा ठंडा। पापा अभी डिनर करेंगे, रेडी हो गए हैं। भाई भेज दिया था रोल, तो फिर मैं नहीं खाई, उसके लिए वेट कर रही थी कि वो आएगा, तो मुझे नहीं खाना था, पर पापा बोल रहे तुम ही खा लो। दियो 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 ए पोड़ी जी, वो दियो दियो। मम्मी का रोटी बन गया, और मम्मी अभी सब्जी बना रही है हम लोग का डिनर के लिए। तो मैं आप लोग को अभी दिखाती हूँ, बेटी यहाँ पर मेरे साथ साथ घूम रही है, और हम लोग उस टाइम क्या किए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए सोफा को ना, वो जो बाहर वाला रूम में एकदम पड़ा हुआ था सोफा, बेकार हो रहा था, तो फिर यहाँ पर ले आए। पहले ऐसे ही रखा हुआ था और डाइनिंग उधर ही था, पर जैसे सिद्धोर जीत आएंगे बोलकर मम्मी उसको किचन में रख दी थी, और साथ में सोफा को उधर शिफ्ट कर दिया गया था। तो हमने सोचा कि नहीं, फिर मैं जाने से पहले ये सब करके जाऊंगी, नहीं तो ख़राब हो जाएगा वो वहाँ बाहर रहते रहते। तो ऐसे तो फ्रेंड्स अभी मैं डिनर करने के बाद आ गई अपना पैकिंग करने के लिए, क्योंकि पैकिंग करूंगी तो सुबह सुबह ही हम लोग जाएंगे। मैं जैसे आप लोग वीडियो का स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं, मैं अपना ओरिजिनल ससुराल जा रही हूँ, बहुत खुश हूँ। पर मायके से जाने का तकलीफ है, पर क्या करूँगी, जाना ही है। तो इसी वजह से पैकिंग कर रही हूँ, जैसे तैसे कर ले रही हूँ, क्योंकि यहां से जाने के बाद मुझे ये सबको अच्छे से प्रेस करके रखना है। तो मैं बोली जैसे तैसे हो पैकिंग कर लेती हूँ, सुबह सुबह टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, और ये आएंगे लेने के लिए, तो पता नहीं कितना जल्दी पहुँच जाएंगे। ये मुझे बोले हैं 7:30 बजे तक तैयार रहना, पर नहीं होगा मुझे पता है। फिर भी क्या है कि पैकिंग करके रखूँगी तो भूलूँगी नहीं, वरना अभी जाएंगे तो कब आऊँगी वापस मैं नहीं, खुद भी नहीं जानती। तो जो कुछ भी लेके आई थी, भले और कभी होता तो छोड़ के जाती, पर अब नहीं हो सकता है, कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकती। पर अभी मुझे सब कुछ पैकिंग करना है, और सोच रही थी बैग हल्का हो जाएगा, पर कुछ हल्का नहीं हुआ, जैसे को तैसे ही हो गया। जैसे आई थी सोच रही थी कि अभी जाते वक्त थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, गिफ्ट खाली हो गया तो अभी मैं सबको पैक कर रही हूँ, और सुबह के लिए कुछ कुछ छोड़ दूंगी जो कि सुबह को पहन के जाएंगे, और सुबह नहाने के बाद पहनना है मुझे। तो ये सबको अच्छे से पैक करके साइड कर दूंगी, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊंगी, मेरा सारा कुछ अच्छे से पैक हो गया, और फिर मैं आप लोग से सुबह मिलती हूँ। ये है मॉर्निंग टाइम, तो आपको पहले गुड मॉर्निंग। तो ये देखिए सुबह सुबह मेरा नहाना हो गया है, और मम्मी यहाँ पर ब्रेकफास्ट बना रही है। अभी 7:30 बज गया है, ये नहीं पहुँचे हैं। तो मम्मी बोली पूड़ी और सब्जी बनाते हैं, तो सब कुछ आटा उटा गूंथ के रखी थी मम्मी। मैं बोली चलिए मैं आपके लिए जल्दी से बेल देती हूँ, ताकि आपको इजी हो जाएगा। और भाई बोला नहीं, तू जब निकल जाएगी उसके बाद ही मैं ऑफिस जाऊँगा, और पापा अपने काम से थोड़ा बाहर गए हैं, तो पापा से मैं रास्ते में मिलते हुए जाऊँगी। और भाई देखिए मेरे साथ बात कर रहा है और लोई तोड़ रहा है, तो मैं खुश भी हो रही थी, साथ में जाने का तकलीफ भी हो रहा था। तो जो भी है अभी मैं फिलहाल पूरी तरह से तैयार हो गई हूँ, बस थोड़ा सा फेस का मेकअप बाकी है। ऐसे कुछ मेकअप नहीं है, अपना घर ही जा रहे हैं, पर बहुत खुश हूँ ये बताऊँ। और पूरी सब्जी खा रहे हैं, पूरी गोभी आलू का सब्जी है। तो ये आ जाएंगे कुछ टाइम बाद, मैं मिलाऊँगी आप लोग से, क्योंकि बहुत दिन बाद इनसे भी मिलना हुआ। तो ये देखिए अभी दामाद जी ससुराल आ गए हैं, और अभी उनका भी ब्रेकफास्ट होगा, तो फिर मुँह हाथ पोंछ रहे हैं, पहले मैं खा ली उसके बाद ये और भाई खाएँगे साथ में। हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह हो चुकी है, मैं कल से जैसे ब्लॉग शुरू की थी पर उसको कंटिन्यू नहीं रख पाई, आज सुबह सुबह थोड़ा सा ब्लॉग, हाँ थोड़ा थोड़ा वीडियो क्लिप बनाई हूँ। बोलिए, ये बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, हेलो बोलिए कम से कम। तो अभी ये मुझे लेकर जा रहे हैं मेरा ओरिजिनल ससुराल जहाँ है, तो वहाँ लेकर जा रहे हैं हम लोग जा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, काफ़ी साल बाद जा रही हूँ अपना ससुराल, तो आप लोग को भी लेकर चलूँगी। तो ओरिजिनल ससुराल, ओरिजिनल ससुराल जो है मेरा, वहाँ लेकर जाऊंगी आज आप लोग को। तो चलिए साथ में बने रहिए, कौन कौन मिलते हैं फिर देखते हैं, हाँ वहाँ पर कौन कौन रहते हैं वो भी दिखाऊंगी आप लोग से मिलाऊंगी, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं जाने के लिए। तो चलिए चलेंगे ससुराल आज, है ना। तो
चलिए फाइनली चलते हैं ओरिजिनल ससुराल। माँ बाय 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 फिर हम लोग बाय 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 बाय। भाई बाय बाय कहो। बाय बाय। रोड पकड़ लिए हैं, अभी ससुराल की ओर चले। तो मैं सोच रही हूँ कल से ब्लॉग शुरू था तो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा, सॉरी, पर क्या करेंगे, यहाँ ब्लॉग एंड करना पड़ रहा है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अपना ससुराल का शेयर कराऊंगी, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं ससुराल, तो नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर से मिलेगा आप लोग को मेरा ससुराल का ब्लॉग। तो चलिए ये ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ मिलती हूँ, तब तक ले टेक केयर, बाय 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 बोलिए, फिर अपने घर में मिलते हैं, फिर घर में मिलते हैं, तो चलिए बाय बाय।